بولیے بابوتے سید مہاراج کی ہاں تو پیارے سجنا ابھی کیسٹ بھاگ نمبر دو سن رہے ہو بابوتے سید جی مہاراج ماتا کے جھولیا میں شیش نوا کے کہنے لگے ہے ماتا کیاں بلائے میں نے ارے بیٹا ایوڑ کے پڑیا ہوں کیاں باتاں لاگ رہی ہو اے ماتا منی ایوڑ چرانے میں آنند ڈاڈو ہو میں پر ڈبانے کو نہیں جاؤں ارے مارے بابو سانے کہہ دے منی بیڈیاں بکری مول لے دیوے ارے میں ایوڑ ضرور خرید کے لیا سوں ماتا کہنے لگی ماتا تب کہنے لگی تو سن لے بیٹا بات کہنو میرو مان لے تمہیں جوڑوں دونوں ہاتھ ہی لالا یہ اڑ کون لیانو تو پیارے سجنو سمیں کی بات ہی گومن سنجی ٹھاکر صاحب نے کن پرکار ہے بابوتے سید جی مہاراج کے وے کیا مگرے میں ایوڑ خریدنے کے واسطے جاوے ہیں اور کیا آگے کی بھگوان کی لیلا بن جائے بولے سید سولنکی مہاراج کی اچھو رہی بھجنی لے بڑی سنا ترے ہلو تا بڑے دعا
कांवर साहब हाथ जोड़ के आपके पिताजी ने कहने लगे, बाबो साहब अवश्य मैं मगरे गमा एवड खरीदूंगा। बाबो साहब अर्जन लगे, लड़का अन्न भी गणेरो धन भी गणेरो, घर में कोई कमी कानी, आपा आपने गरे के हाली बाल दी ओपे, आपा एवड चरांता कोनी ओपा, हाली राख दियो बाल दी राख दे ताकि तन एवड में कौन जान दू। अरे कनी पिताजी मैं अवश्य को एवड मोल ले सू। तो प्यारे सजनो हट चट ज्यादा पकड़ ले कंवर साहब, सिद्ध सोलंकी कह बाल हट तिरिया हट जोग हट, ए तीन चार हट हुए माड़ा हुए भाई मानत है कोनी, अब तुम बा बेटो है मगरे कानी भीर हो जावे, एक बात से दो बात से तीजे बात से जागे आपकी चौकी चौकी बेड़ा खरीद ले मुंगे मोल की। अरे कांवर साहब ने एवड को पाली बना देवे, हाथ में गेडियो ले लेवे, अच्छी भगवान की माला ले लेवे। बाबो साहब ने कहने लगे, आप तो चालो काम और मैं एवड की सेल करा के लाऊंगा, इन्हें मोटा मोटा दोहरा पर चढ़ा के लाऊंगा। हाँ सा क्यों कह जो लारे गाज की बात ही बा खाली को नहीं जावे। तो प्यारे सजनो ठाकर गोविंद सिंह जी तो आपके घरे आ जावे, सिद्ध सोलंकी महाराज एवड़ धोरा धोरा माल तो फिरे, अच्छी वंशी बजावे मीठी धुनगी जिया कृष्ण भगवान बजाई करता, वो ही निरंजन बाबो गोमन सिंह जी महाराज ने वचन दिया, कजा तेरे अवश्य नौवे महीने संतान होगा, उसका नाम होगा बबूता सिद्ध महाराज। अरे एक दोहरे पर आगे बैठ जाओ, पगला में चंदन काट की खड़ा हुए, हाथ में बाबे जी रे तू भी है भगवी भगवी चादर और डेडी है, आगे हेला मारे एवड़गा पाली एक रोरे सो आम हासू दो बात कर ले। कंवर साहब सोचे आवाज क्यों मारे, ये तो कोई महात्मा है। बाबे जी कन आगे कहने लग गया, बाबो जी लड़के ने कहे ओ योगेश्वर तब कहने लग गया, तो सुन ले लड़का बाते जी भाई भाई केणो मेरो मान ले तो तेरे धरू शीस पर ही। लड़का दो चार बात कू तू डरे ने तो मैं धन बात बता दू। सिद्ध सोलंकी महाराज कहने लगे, महाराज डरने की कोई क्या बात है, आपकी इच्छा होगी तो बात बता दो। अरे पाली तेरो गांव की है क्या, गांव तो महाराज चारणवासी अठ है और तो भेड़ियां चराण वास्ते आया हूं। अरे तने भेड़ कण लेर दी रे भाई, बाबो जी क्यों पिछली बात पूछे। तो प्यारे सजनो कवि की के कल्पना है कह कह रूप ली पले तो बिंगी खोड़ में, गोमे सिंह लड़को बिन कुण कोनी भेड़ियां ले गए देवे, जिया असीन गए ठाट नहीं बिन प्रकारा तो ठाट धारा क्यों है बाबो जी बात लागे। तो बाबूजी किन प्रकार है, लड़के ने कहे वैर की आगे की कथा शुरू हो जावे। योगे सर तब कहने लगा छे
अरे सुन ले चेला पुकार, कया कया भर दे पावड़ा तो कर दूं दुनिया में अमरीना। अछोरे भजनी देवगी Love.
तो प्यारे सजनों, महात्मा जी महाराज सिद्ध सोलंकी महाराज ने जोड़िया में बिठान गए। रे कहने लगे, अरे चेला तू डरे तो कौन के मैं बात बतायू जकी। क्यों महाराज, थे संतो थे, बात बतायो, माने डर के चीज गुए। योगेश्वर महाराज आपकी जोड़िया में लेके कहने लग्या कि एक बार तो तू वापिस उठ जा और सातवें दिन तू गोल आई काली नाडी गे मां। अरे अरे मैं कहूं जका पाउंडा बरदेसी सिद्ध सोलंकी महाराज कहने लगे, महाराज अवश्य भर दूंगा, भरूंगा क्यों नहीं। एक तो तू काली नाडी में गोल आसी संगलिया ने ले गए, अठ तने पेणो पिए लो, पेणो पीता ही तेरो शरीर है वो दाई तुझी सी। तेरो बाबो सावेला वे के लेवेला दौड़ती लेवेला फिटकड़ी और लेवेला बरगांगो वो ना पी बलो, तेरी दही के दाग ना लगा ली, अड़ तेरी समाधि लाग जी, तेरा ऊंचा ऊंचा देवरा बना दे, कर दू दुनिया में अमर है। सागे एक बात और करनी है भाई, मीठे मीठे शब्दों बाबू जी है, देखो कंवर साहब ने समझाऊ लाग रहे हैं। काटे तेरी समाधि खोद सी, समाधि देसी जना बाबू साहब, एक गीतारों का पाठ है वो जोड़िया गमा ले ली, देरूंगी माला ले ली, हाथ गए गीतारो दो पाठ सुन गई और तेरी समाधि दे वाद गए मां, छठे दिन तेरी जोत जागी भाई, भाई। अरे घर घर में तेरा देवरा चिनासी करसी, दुनिया में अमर तेरो बड़ो तो तकड़ो है, तने सरपांगो गारडू बना दे सू। इतरो क्या मारो मान ले निनास बोलो अद बिचली कुल रे जिली, अब सर्प को नाम ले अंडर किने कौन लागे सगला ठंडा कम पे क्या किया भाई, डर लागे के बोले नहीं बाबा जी डर तो कौन लागे, तो अब तुम्हारो केड़ो मान गए तो वापिस तेरे माँ बाप घरे उड़ जा। अरे माँ बाप तो आज्ञा ले गए वापिस सातवें दिन गोल आजी बोलो। तो प्यारे सजनो इतरी के गे द्वारकाड़ो नाथ है किन प्रकार हमें किया के गे जावे है। योगेश्वर जब रम गया पदांता नदी कह दी, वाह सरम जी वाह, कोमर साब रोने लग्या तो बिंगे बगे नेण में अच्छो रे भजनी Yeah.
भाई मोहन लाल ठाकरानी डेरों पर उपमाराम और जोड़ी बजा रहे भाई मनसाराम जी सुनीलाल जी के छोटे भाई बोलिए बहुत ऐसी जी महाराज की बोलिए श्री सोलंकी महाराज की जय हो। हाँ तो प्यारी सजना जिसी टेम बाबूजी महाराज इतरी कह गए और हम जावे
अब ला रहा हूं कंवर साहब है देखो हेला मारे के बाबा जी एक बार दर्श दिखाओ थारी बोली गोरे गयो साहेब। बाबू जी तो जाना क्यों लारे का आदेश आ जिया एतवार गिरी का महाराज का है जिया। बाबा जी के रम जाओ है सीधी सोलंकी महाराज ने पिछली बात याद आ जाए के सातवें दिन को बाबू जी कहड़ो है के एक बार तन भाई नाडी में जरूर आनो सी क्या क्या था अपन पाउंडा जरूर भरना ही। बजरंगलाल जी बहुत अच्छे। अब कंवर साहब चारणवासी कहानी आपको माल लगा ले लागे और गुआड़ के मां मोटो खेरड़ो जंगी बिंग नीचे माल ने बिठान देवे। माता झरोके माखर देखने लागरी के आज दस दिन हो गया तेरे लाल ने गए ने अभी तक आयो कौन के बात होगी। अब सिद्ध सोलंकी महाराज जागे मेला में माता के चरणों में शीश निवावे तो माता कहने लगी हाथ जोड़े करूं विनती रे भाई हो भाई अरे मेरे भाग्य नैण मैनी कौन कहूं किसको सुने तो मेरे कौन बंधावे धीरे। इसी तरह माता विलाप कर लाग रही श्री सोलंकी महाराज के माता तेरे आंखे मासू क्यों बेवे के बेटा तेरो भूको है जुको मुंडो किया है और तेरे आंखे में उदासी किया है साची बात बता। कहने लगे हे माता रात भर में एवड़ गए बार कर पेरो लगायो क्यों बन गए मां रोई गादड़ा लंगूर चिता बहुत गणा हुआ है मैं देखियो कोई तेरे माल ने नए चक्कर ले जावे भेड़ बकरियो। हाँ सा इसी वास्ते मारे के है मुख पर उदासी है अरे रातियों में सोयो को नहीं भाई जो भाई तो बेटा यहाँ कर कमरे का माचो को डरा दियो तने ढोलियो सो जा सुख भर गई नींद। तो प्यारे सजनों इतनी सुन गई माता की याचो कमरे का मां ढोलियो डरा ले सुख भर नींद सोए तो कंवर साहब ने नींद को नहीं आवे सुत्या सुत्या मन में विचार करे बाबा जी थारला करार तो नेड़ा आ गया मैं अब नाडी में किसी भी दास हूं। तो सुत्या सुत्या किन प्रकार कंवर साहब विचार करे कि आगे कथा शुरू हो जावे। भाई भाई सुख भर सो जानी माता लागी के कनक दायनक वचन तो बोली मीठावे छोरे वजनी देवगी सुनाए जुरे Oh,
प्यारे सजनों, कांवर साहब जागे उनसे मेल में ढोलियो डलागे सो जावे सुखबर की नींद में। ए! रात ने सुतिया सुतिया कहने लगा बाबा जी, अरे बाबा जी थारा करार नेड़ा आ गया, मैं नाडी में किसी विधि। बाबा जी मन में सोचो चेले ने आपा वचन दिए या एरा बकिया नाडी तो किसी विधि बुलावा आपा। उपाय करो। अब कंवर साहब मन में सुतिया सुतिया विचार करे तो प्यारे सजनो, जिसी टेम उत्तरादी दिशा में एक घटा उमटी है ओल रही है और बाद ले नानी नानी आगे नाडी कानी में वर्ष तो दिखे। कंवर साहब मन में सोचा है तो सच्चो द्वार कालो नाथ। मन में मुल्का जबरी मेर होगी द्वार काले नाथ जी तो नाडी में बरसन लागियो। छंट छंट आचा लोर चलन लाग गया। कंवर साहब रात की 2-3 बजे को टेम आपकी हेली पर चढ़ गए। हेलो मारे कर राई का विरा एक कर उरे रो आए मारे मन की सुन ले। और राई को रे वारी वीरो आगे कहने लगे बोलो कमरा आती आधी रात रा क्यों बुलाए के कर रहे हो। कह भाई तो नाडी जानो पड़सी। क्यों महाराज नाडी में अपनी कोई रिश्तेदारी का नहीं। रिश्तेदारी तो कोनी पण आज है जकी ने बिजली चिमकन लाग रही नाडी का नहीं देख रहा भाई मैं है कोनी। रिश्तेदारी करी हुए मैं हूं बोले आप 5-7 दिनांगी मैं जका गोल जाया। तो प्यारे सजनों कहने की बात ही इतनी सुन के रेवारी राई को बूरिये बाखल को डोल मांड गए किया कर लेने श्रृंगार गए नाडी का नहीं जावे अर किया कंवर साहब बात बतावे अर किया गई कथा शुरू हो जावे। भाईओ भाई कंवर साहब तब कहने लग्या तो सुन राई का बात जल्दी जाओ नाडी माई ने तो मती ना लगाओ दे अच्छो रे वजनी देवगी सुनाए जोरे Ah!
श्री महाराज की हो। हाँ तो प्यारे सजनो, जिसी टेम राय को इतना वचन सुन गए कंवर साहब का, आपको कर लो श्रृंगार गे और नाडी के मारगा कर लेने लगा दे। जागे फुर करके देखे कर लेने चंपे की डाल बांध दे। दोरा दोरा माल तो फिर कभी नाडी में कहीं दखाण खुशियां का बाजा बाजे है। इन्हें भी नहीं देखे नाडी में सारा खड़ा खोबड़ा भरिया पड़े है। कजबरी मेर कर दी भाई द्वार काले नाथ। भाई कंवर साहब भेजे आप संसार बड़ो खुशी को लेके जी जहाँ तो कंवर साहब कह के बधाई देसी देसी। तो कंवर साहब बैठा डीकन लाग रहे ने राई को, सारी नाडी की छो फेरी कूट देखे तो आछो पालरो पानी पड़े है। चोखो धामन घास दिखन लाग रहे है। राय को बड़ो खुशी हो गए कर लेने श्रृंगार गए और वापिस चरणवासी मार्गा लगा देवे। बबरा भड़का चलता देर लागी तो आता क्या देर लागी जावे। कांवर साहब अडीकन लाग रहा करे राय का वीरा नाडी का समाचार बता कहीं हाल है। कह कंवर साहब नाडी का तो बड़ा खुश समाचार है। अरे सुखी के समाचार है, काछो पालर पानी पीड़ियो है, चोखो भेड़िया ने घास है, आछो गाया ने घास है, जल्दी से जल्दी जाओ भले ने चावाजी है। अब कंवर साहब इतनी सुन गए मन में बड़ो डाडो राजी हुए। कवा नरंजन बाबा थारोड़ा करार नेड़ा हुए ताबे नाडी में मैं आई। अब नाडी में अवश्य आसू। तो प्यारे सजनो आपके संगलिया ने हेला मारा है क्या चालो रे वीरो, जल्दी उससे तैयार हो जाओ। अपा 5-7 दिन गोल चालिया तो किया दखान माता है जी। कंवर साहब ने पूछे किया संगलिया ने हेला मारा है कि आगे की कथा शुरू हो जावे। अच्छो रे भजनी देवगी आ।
तो प्यारे सुनो, अब ये बबूत्र सिंह जी महाराज की सपूर्ण कथा समर केस्ट में सुन रहे हो। इस कथा का गायकार बजरंग लाल आसाराम मोक्कलसर वाले। आगे की कथा भाग नंबर 3 में सुनियो। और हमारे साथ दे रहे डेरुआ पर भाई गोपाल आराम, खंजरी पर सुल्तान आराम, और फिर डेरुआ पर हुक्माराम, और ढोलक बजा रहे हैं मोहन लाल ठाकरानी। रिकॉर्डिंग हो रही है जय कमल स्टूडियो गोगा गेट घूम चक्कर। बोले भक्त सिद्धि महाराज की।